राजा परीक्षित को साप लगा कि सातवें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तक्षक तुमको डस लेगा। इसी कारण राजा एक क्षण में अपने महलों का, अपने सुखों का त्याग कर देते हैं। एक बात तो कन्फर्म है, मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः, मृत्यु ही ध्रुव सत्य है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जन्म ही इसलिए मिला है क्योंकि हमको मरना है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, और कुछ हो न हो पता नहीं, मृत्यु होगी ये कन्फर्म है। ये हम सबको मालूम भी है, पता भी चलता है, हम लोगों ने अपने लोगों को जाते हुए देखा भी है। राजा को एक क्षण लगा, जैसे ही पता चला कि मेरी मृत्यु सातवें दिन है, उसी पल राजा ने राज्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सुख छोड़ दिए, महल छोड़ दिए, सब छोड़कर गंगा के तट पर आ गए। कितना बड़ा साम्राज्य राजा का रहा होगा हम सोच भी नहीं सकते, और उसको छोड़ने में एक क्षण नहीं लगा। और हम लोगों का लेवल कितना हाई है मोह का, एक कमरे का घर हो उसे छोड़ने में कितनी कठिनाई होती है, होती है कि नहीं होती। और जिसकी मृत्यु के समय इच्छा गति गड़बड़ हो, उसके एक दो जन्म नहीं तमाम जन्म खराब हो जाते हैं, 84 लाख योनियां खराब हो जाती हैं उसकी। जीवन भर की यात्रा वैसी ही करनी चाहिए जिससे मृत्यु सुंदर हो सके। पूरे जीवन भर की यात्रा का एक ही फल है कि जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण निकल रहे हो उस समय संसार का चिंतन ना हो, ईश्वर का चिंतन जिसका है उसकी मृत्यु सुंदर है। अब आप कह रहे होंगे यस, कईयों के मन में आ जाती है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे। थोड़ा सा अनुभव कीजिए, जब माथे में दर्द हो ना, सिर माथे में दर्द, तब भी भजन अच्छा नहीं लगता, लगता है? जवाब दो। अरे कल देख लेंगे, आज शरीर ठीक नहीं है। और जिस समय प्राण निकल रहे होते हैं उस समय स्थिति जानते हो कैसी है, जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो, उतना दर्द होता है। कितना दर्द होता है, जैसे हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। अब बताइए कैसे बात बनेगी। सर में दर्द के कारण भजन अच्छा नहीं लगता, हजारों बिच्छू जैसा डंक लगेगा, प्राण निकलेंगे तो मन जाएगा भगवान की तरफ। उस समय दर्द के मारे कराहते हैं, चीखते हैं, तो हमारी चीख कोई नहीं सुनता। जब चोर किडनैप करके ले जाते हैं ना, तो व्यक्ति के मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं, किस लिए, जोर से बोलो, जिससे बोल ना पाए, चीख ना पाए। तो जैसे ही जब यमराज के दूत आके हमारे प्राण निकालते हैं, तो वो भी हमारे मुंह में कुछ ठूंस देते होंगे, आवाज नहीं निकलती बाहर। सच्ची कितने लोग आपने देखे ये कहते हुए, मेरे तो गोद में ही चले गए उनके प्राण, कुछ कह भी नहीं पाए, कुछ मुझे देख रहे थे वो, बोल नहीं पाए। अरे वो बोलना चाहते थे, यमराज के दूतों ने बोलने नहीं दिया उसे। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जो कुछ बोलना है ना घर वालों से, अभी बोल लो, हम तो ये कई सलाह देंगे, जो बोलना अभी बोल लो, फिर की कोई गारंटी नहीं कि बोलने भी देंगे कि नहीं बोलने देंगे। बोलो राधे राधे, ऐसे नहीं जरा राधे।